वेलकम गाइस, आईटी हेल्पर वीडियो में आपके सामने सैमसंग का फोन 5 प्रो जिसके अंदर लैंग्वेज की सेटिंग की दिक्कत आ गई है। आपको इसकी सेटिंग कैसे चेंज करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सी भी लैंग्वेज जो आपको समझ में नहीं आ रही, बस आपको सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। सेटिंग में ऑप्शन में जाने के बाद आप जितना नीचे आ सकते हैं आप इसमें आ जाना। 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पे आप काउंट कर लेना, जनरल मैनेजमेंट होता है। चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, चौथे नीचे से फोर्थ नंबर पे आना और ये जो लोगो है यहाँ पे 3 लाइन का, ये लोगो आपको दिख जाएगा। तो इस लोगो पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है फर्स्ट पे ही आपका जो ये ऑप्शन होता है लैंग्वेज चेंज करने का, कोई सी भी लैंग्वेज हो सेम स्टेप करना, आपकी लैंग्वेज सेट हो जाएगी। जैसे ये सेट होता है तो इसमें टच करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट पे ही आपको क्लिक करना है, ठीक है। फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऊपर ही आ जाता है यूनाइटेड किंगडम, जो भी लैंग्वेज आपकी चेंज हुई होगी इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सीधा आते ही आपको यूनाइटेड मिल जाएगा, या एडिट लैंग्वेज जो भी करना आपको, आप यहाँ पे करके अपनी लैंग्वेज को सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो है फर्स्ट पे ही आपका आ जाएगा इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज, ये मैंने यूनाइटेड के हटा के इंडियन लगा दिया। यहाँ पे दोनों आ गए हैं, यूनाइटेड और इंडियन, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज आ गए हैं। तो यहाँ से आप जो है अपनी लैंग्वेज को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ आईटी हेल्पर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूवर्स, ऐसी और भी एक्साइटिंग वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।